हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज वीडियो में हम रिएक्शन करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की कास्ट। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलें हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक विद अनदर अमेजिंग वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तान और इंडिया में मोस्ट सेलिंग कार्स के बारे में। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी पाकिस्तान और इंडिया के मोस्ट सेलिंग बाइक्स के ऊपर, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज उसको भी जरूर चेक कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कंपैरिजन की तरफ, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें मिस्टर कमरान चैनल को और प्रेस करें साथ वाले बेल आइकन को, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। नंबर वन, पाकिस्तान में जो मोस्ट सेलिंग कार है वो है टोयोटा करोला E170। इस कार में 1300 सीसी का इंजन है और ये कार 84 हॉर्स पावर की है। इस कार की स्टार्टिंग प्राइस 32 लाख पाकिस्तानी रुपीस है, 32 लाख रुपए और 2020 के शुरू से अब तक इस कार के 6000 यूनिट्स सोल्ड हो चुके हैं। इंडिया में नंबर वन पे जो मोस्ट सेलिंग कार है वो है मारुति स्विफ्ट। इस कार में 1200 सीसी का इंजन है और ये कार 82 हॉर्स पावर की है। इस कार की स्टार्टिंग प्राइस 8,38,000 इंडियन रुपीस है और 2020 के फर्स्ट मंथ से अब तक इस कार के 18,000 यूनिट्स सोल्ड हो चुके हैं। नंबर टू, पाकिस्तान में नंबर टू पे जो कार है वो है सुजुकी मेहरान। ये पाकिस्तान की लेजेंड कार है क्योंकि पिछले 30 सालों से सेम डिजाइन से पाकिस्तानी मार्केट में टॉप पर है। इस कार में 800 सीसी का इंजन है और ये कार 39 हॉर्स पावर की है। इस कार की स्टार्टिंग प्राइस 8,60,000 पाकिस्तानी रुपीस ये कार और 2020 के शुरू से अब तक इस कार के 5,200 यूनिट्स सोल्ड हो चुके हैं। इंडिया में नंबर टू पे जो मोस्ट सेलिंग कार है वो है हुंडई एलीट i20। इस कार में 1400 सीसी का इंजन है और ये कार 88 हॉर्स पावर की है। इस कार की स्टार्टिंग प्राइस 6 लाख इंडियन रुपीस है। 2020 के शुरू से अब तक इस कार के 17,300 यूनिट्स सोल्ड हो चुके हैं। नंबर थ्री, पाकिस्तान में नंबर तीन पे होंडा सिटी है। इस कार का इंजन 1500 सीसी का है और ये कार 120 हॉर्स पावर की है। इस कार की स्टार्टिंग प्राइस 23 लाख पाकिस्तानी रुपीस है। 23 लाख रुपए की 4,650 यूनिट्स सोल्ड हो चुके हैं। इंडिया में यही हाफ। इंडिया में नंबर तीन पे जो मोस्ट सेलिंग कार है वो है हुंडई क्रेटा। इस कार का 1600 सीसी का इंजन है और ये कार 126 हॉर्स पावर की है। इस कार की स्टार्टिंग प्राइस 10 लाख इंडियन रुपीज है और अब तक इस कार के 16,000 यूनिट्स सोल्ड हो चुके हैं। नंबर फोर, पाकिस्तान में नंबर फोर पे सुजुकी वैगनोर है। इस कार में 1000 सीसी का इंजन है और ये कार 67 हॉर्स पावर की है। इस कार की स्टार्टिंग प्राइस 16,25,000 पाकिस्तानी रुपीस है और 2020 के शुरू से अब तक इस कार के इंडिया में 3,870 यूनिट्स सोल्ड हो चुके हैं। उनकी करेंसी स्ट्रांग है भाई। मारुति वैगनोर है, इसका भी सेम इंजन है 1000 सीसी का इंडिया में भी और ये कार भी 67 हॉर्स पावर की है। इंडिया में मारुति वैगनोर की स्टार्टिंग प्राइस 4,40,000 और अब तक इस कार के 13,500 यूनिट्स सोल्ड हो चुके हैं। नंबर फाइव, डबल भी कार है आप, सुजुकी बोलान 2020 है। इस गाड़ी में 800 सीसी का इंजन कैरी डब्बा और ये गाड़ी 37 हॉर्स पावर की है। पाकिस्तान में इसकी स्टार्टिंग प्राइस 10 लाख पाकिस्तानी रुपीस है। 10 लाख अब तक सुजुकी बोलान के 3,800 यूनिट्स सोल्ड हो चुके हैं। बहुत महंगी है। इंडिया में नंबर 5 पे होंडा अमेज है। इस कार का 1500 सीसी का इंजन है यार, इसका डिजाइन ये कार 99 हॉर्स पावर की है। 1500 सीसी इस कार की इंडिया में स्टार्टिंग प्राइस 8,40,000 इंडियन रुपीस है और 2020 के स्टार्ट से अब तक इस कार के 12,800 यूनिट्स सोल्ड हो चुके हैं। नंबर 6, पाकिस्तान में नंबर 6 पे होंडा सिविक है। इस कार में 1800 सीसी का इंजन है वाला लौंडा और ये कार 141 हॉर्स पावर की जिसके है। पास सिविक इस कार की पाकिस्तान में स्टार्टिंग प्राइस 35 लाख पाकिस्तानी रुपीस है और 2020 में अब तक इस कार के 2,520 यूनिट्स सोल्ड हो चुके हैं। इंडिया में नंबर 6 पे जो मोस्ट सेलिंग कार है वो है मारुति इर्टिगा। इस कार में 1500 सीसी का इंजन है और ये कार 100 हॉर्स पावर की है। इंडिया में इस कार की स्टार्टिंग प्राइस
10 लाख इंडियन रुपीज 10 लाख और अब तक इस कार के 11,000 यूनिट्स सोल्ड हो चुके हैं। नंबर 7, पाकिस्तान में नंबर 7 पे सुजुकी कल्टस है। इस कार में 1000 सीसी का इंजन है और ये कार 67 हॉर्स पावर की है। पाकिस्तान में इस कार की स्टार्टिंग प्राइस 17,05,000 पाकिस्तानी रुपीस है और अब तक इस कार के 3,470 यूनिट्स सोल्ड हो चुके हैं। इंडिया में नंबर 7 पे मारुति सियाज है। इस कार में 1,462 सीसी का इंजन है और ये कार 103 हॉर्स पावर की है। इस कार की इंडिया में स्टार्टिंग प्राइस 11,38,000 रुपीस है। नंबर 8 पे टोयोटा प्रीस है। इस कार में 1500 सीसी का इंजन है। इसकी प्राइस सुनिएगा जरा, 134 पाकिस्तान में इस कार के लेटेस्ट मॉडल की स्टार्टिंग प्राइस 60 लाख पाकिस्तानी रुपीस है और अब तक पाकिस्तान में इस कार के 3,150 यूनिट्स सोल्ड हो चुके हैं। इंडिया में नंबर 8 पे मोस्ट सेलिंग कार्स में फोर्ड फ्री स्टाइल है। इस कार का इंजन 1500 सीसी का है और ये कार 90 हॉर्स पावर की है। इंडिया में इस कार की स्टार्टिंग प्राइस 7,60,000 इंडियन रुपीस है और अब तक इंडिया में इस कार के 8,050 यूनिट्स सोल्ड हो चुके हैं। नंबर 9, पाकिस्तान में नंबर 9 पे टोयोटा फॉर्च्यूनर है। इस गाड़ी का इंजन 2700 सीसी का है और ये गाड़ी 165 हॉर्स पावर की है। पाकिस्तान में इस गाड़ी की स्टार्टिंग प्राइस 80 लाख पाकिस्तानी रुपीस और पाकिस्तान में अब तक इस कार के 1000 यूनिट्स सोल्ड हो चुके हैं। इंडिया में नंबर 9 पे जो मोस्ट सेलिंग कार है वो है फोर्ड एस्पायर। इस गाड़ी में 1500 सीसी का इंजन है और ये गाड़ी 121 हॉर्स पावर की है। इंडिया में इस गाड़ी की स्टार्टिंग प्राइस 6,50,000 इंडियन रुपीस है और अब तक इंडिया में इस गाड़ी के 8,600 यूनिट्स सोल्ड हो चुके हैं। नंबर 10, पाकिस्तान में नंबर 10 पे होंडा बीआरवी है। इस गाड़ी का इंजन 1500 सीसी का है और ये गाड़ी 117 हॉर्स पावर की है। इस गाड़ी की पाकिस्तान में स्टार्टिंग प्राइस 30 लाख पाकिस्तानी रुपीस है। 30 लाख तक इस गाड़ी के पाकिस्तान में 1580 यूनिट्स सोल्ड हो चुके हैं। वहीं पर इंडिया में नंबर 10 पे है किया सेल्टोस। इस गाड़ी में 1353 सीसी का इंजन है और ये गाड़ी 138 हॉर्स पावर की है। इंडिया में इस गाड़ी की स्टार्टिंग प्राइस 15,30,000 इंडियन रुपीस है। 30-32 लाख तक इंडिया में इस गाड़ी के 9,000 यूनिट्स सोल्ड हो चुके हैं। करेंसी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में नंबर 11 पे किया पिकाटो है। इस गाड़ी का इंजन 1000 सीसी का है और ये गाड़ी 70 हॉर्स पावर की है। पाकिस्तान में इस गाड़ी की स्टार्टिंग प्राइस 19 लाख पाकिस्तानी रुपीस है और अब तक पाकिस्तान में इस गाड़ी के 2500 यूनिट्स सोल्ड हो चुके हैं। वहीं पर इंडिया में नंबर 11 पे जो मोस्ट सेलिंग कार है वो है हुंडई वेन्यू। इस गाड़ी में 1000 सीसी का इंजन है और ये गाड़ी 71 हॉर्स पावर की है। इंडिया में इस कार की स्टार्टिंग प्राइस 9,90,000 इंडियन रुपीस है और अब तक इंडिया में इस गाड़ी के 7,500 यूनिट्स सोल्ड हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा और वीडियो से काफी कुछ लर्न किया होगा पाकिस्तान और इंडिया की मोस्ट सेलिंग कार्स के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। यार आप लोगों ने अभी देखा होगा कि जो इंडिया में कार्स हैं, ठीक है, वो ऑलमोस्ट हाफ प्राइस है, हाफ से भी कम है। अगर इंडिया की करेंसी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो उसको डबल भी आप करते हैं ना, फिर भी जो पाकिस्तान में कार्स हैं मैन्युफैक्चरर्स हैं बहुत महंगी कार गाड़ियाँ सेल कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा आपको कार्स नज़र आई होंगी, टोयोटा, सुजुकी, होंडा, ठीक है। तो पाकिस्तान में ये ट्रेंड है, अगर इंडिया से कोई मुझे देख रहा है कि ये तीन कंपनीज ही काम करती हैं यहाँ पे, ठीक है, ना यहाँ पे फोर्ड है ना कोई और कंपनीज अभी आ रही हैं। MG आ गई है, ठीक है, उसके बाद छंगन है, आई थिंक ये प्रोनाउंसिएशन में कुछ अगर मिस्टेक, छंगन है या छंगजन है, ठीक है, उसके बाद MG है, ठीक है, और भी किया, फोर्ड, इस तरह की गाड़ियां आ रही हैं, ठीक है। तो जब कंपटीशन होगा तो उम्मीद तो है कि प्राइस कुछ कम होगी, लेकिन अभी के लिए अगर देखा जाए तो जो कार माफिया इधर बैठा हो उसने प्राइसेस इतनी हाई रखी हुई हैं, आप लोगों ने खुद देख लिया होगा यार। तो यार वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि इस पर और भी रिएक्शन वीडियोज़ आने वाली हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।